प्रदेश सरकार की स्काई योजना आज से शुरू। अगले 4 महीनों के दौरान 50 लाख लोगों को मिलेंगे निःशुल्क स्मार्टफोन। राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान 20 किलो का आईईडी किया बरामद। केंद्र के सुरक्षित मातृत्व अभियान से प्रदेश में भी मातृ मृत्यु दर में आई कमी। हर महीने अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की जा रही है निःशुल्क जांच। और सावन महीने के पहले सोमवार पर आज शिवालयों में भक्तों का लगा तांता। भोरमदेव में भक्तों ने किया जलाभिषेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार का मोबाइल तिहार कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ सरकार की संचार क्रांति योजना के तहत 50 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में संचार क्रांति योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुख्य रूप से उपस्थित थी। समारोह में मुख्यमंत्री कुछ हितग्राहियों को मोबाइल फोन भी दिया। साथ ही संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 556 टावरों का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन पर राज्य सरकार की ओर से तैयार एक मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ ही किसानों को खेती से जुड़े विषयों पर उपयोगी जानकारी मिल सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 4G का यह स्मार्टफोन जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास है वह अब मजदूरों के हाथों में भी रहेगा। छत्तीसगढ़ एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और अब यह स्मार्ट छत्तीसगढ़ के नाम से भी जाना जाएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल वितरण स्मार्टफोन वितरण की योजना अनूठा प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम। वो दिन भी छत्तीसगढ़ में आ रहा है कि जो फोन डॉक्टर रमन के पास, मुख्य सचिव के पास, अमर जी के पास है, गांव में रहने वाले मजदूरी करने वाला मजदूर के पास भी 4G का फोन आने वाले समय में होगा। 50 लाख की संख्या में 40 लाख बहनों को ये मोबाइल का वितरण होगा। 1600 टावर लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संचार क्रांति योजना के तहत अगले 4 माह के भीतर कॉलेजों के लगभग 4.5 लाख विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्रों की 40 लाख महिलाओं और शहरी क्षेत्रों के 5 लाख गरीब परिवारों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। राजनांदगांव जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 20 किलो का आईईडी बरामद किया है जिसे माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगा रखा था। नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान मानपुर बसेली मार्ग पर यह बम बरामद किया है जिसे समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया। कैंप से लगभग 2 किलोमीटर मानपुर की तरफ पुलिया के पास में एक आईडी लगे होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें जिला पुलिस बल और मानपुर में तैनात 27वीं महीने आईटीबीपी की कंपनी जो है आईडी सर्चिंग के लिए निकली थी जिसे मलहर और बसेली कैंप के बीच पुलिया के नज़दीक जो है रोड में नक्सलियों द्वारा लगाकर आईडी बरामद किया गया जिसे बीडीएस टीम द्वारा वहां पर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि शहीदी सप्ताह को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र सहित सीमावर्ती इलाकों में गश्त तेज कर दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके लिए पक्के मकान किसी सपने से कम नहीं है। दुर्ग जिले में आज इस योजना की बदौलत कई बेसहारा और बेघर लोगों को पक्के मकान नसीब हो गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। केसरी के पति के गुजरने के बाद उन्हें बच्चों से भी सहारा न मिला, न काम आए नाते रिश्तेदार। 22 साल तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज उनके सिर पर पक्की छत है। मर आदमी खत्म हो गए, फूटा टूटा मामा घर में पानी चूहा थे, चार पांच जगह गए हैं। तब वो बेटा दे दी घर उठा ले मौसी के की ते हाँ फूटा टूटा घर में, तब सरकार दे दी तो उठा। मीनाबाई ने घर चलाने के लिए दूसरों के यहाँ काम किया, भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की कि अपना खुद का घर हो जाए। ललेसर बाई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मेरे को बहुत आनंद हुआ, मेरे बाल बच्चे खुशी से पढ़ पाएंगे। हम लोगों को ये महसूस नहीं था कि हम आज छत के घर पर रह पाएंगे। हाँ, परेशानी में मट्टी घर में रहते रहे हूँ, अब परेशानी दूर हो गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सबको आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का भी खुद के घर का सपना अब साकार हो रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है ये, अभी भी खुले में शौच गलत है। गलत है। तो मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, दिमाग लड़ाओगी, छोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर कोई नहीं बीमार पड़ेगा। जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए मैडम। क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद करो, बीमारी बंद है। खुले में जब शौच करोगे खुल में रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद करो, बीमारी बंद। समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3:10। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर में अपने निवास परिसर से देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए बहनों की राखियां रवाना की। उन्होंने इन राखियों को ले जा रहे भारत रक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी की स्कूली छात्राओं और सुरक्षा बलों की बहनों ने भारत रक्षा रथ में सैनिकों के लिए राखियां सौंपी। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ में विशेष विधिक सेवा शिविर लगाया गया जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और जिला तथा सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल शामिल हुए। इस शिविर में 7,000 आवेदनों का निराकरण किया गया। इस मौके पर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजधानी रायपुर में अपने पुराने कार्यालय एकात्म परिसर की ओर रुख किया है। पूजा पाठ के बाद आज पार्टी ने अपना चुनावी कामकाज शुरू किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भाजपा के सह संगठन मंत्री सौदाम सिंह, महामंत्री पवन साय सहित अनेक मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के छात्र भरतलाल बैगा ने सौजन्य मुलाकात की। कबीरधाम के मन्ना बेदी गांव के भरतलाल का चयन जेईई के माध्यम से दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जताई कि अब बैगा जनजाति में भी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। कोरबा वनमंडल क्षेत्र के पत्रापाली गांव में इन दिनों 35 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। इन हाथियों ने गांव में काफी उत्पात मचाया और तीन घरों को तोड़ने के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। ये हाथी गांव के पास ही डेरा जमाए हुए हैं, जिसके कारण गांव में दहशत का माहौल है। प्रदेश में ऋणी और अऋणी किसान आगामी 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना बीमा करा सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसी भी जिले में खाद की कमी नहीं है। किसानों की मांग के आधार पर यूरिया और अन्य उर्वरक दिए जा रहे हैं। बिलासपुर पुलिस द्वारा शहर के 6 स्कूलों में चेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 2000 बच्चे लाभान्वित थे। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को बाल यौन शोषण सहित गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई, साथ ही बच्चों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए गए। कवर्धा में आज निजी स्कूलों में चलने वाली बसों की फिटनेस जाँच की गयी, साथ ही बस चालकों की भी जाँच की गयी। अनफिट पाए जाने पर बसों के मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। गौरतलब है कि परिवहन विभाग के निर्देश के बाद आरटीओ और यातायात पुलिस इन बसों की फिटनेस की जाँच कर रही है। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में आज सुबह ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक स्कूली बालिका की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी लोगों ने तोड़फोड़ की। राजनांदगांव में खेली जा रही प्रथम स्वर्गीय अरुण गौतम स्मृति राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के पांचवें दिन के पहले मैच में स्कूल 11 राजनांदगांव ने एमसी 11 को 1 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर स्पर्धा के अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं दूसरे मैच में डीएचए राजनांदगांव की टीम ने स्पोर्ट्स अकादमी रायपुर को 1 गोल से शिकस्त दी। अब कुछ खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार का सुरक्षित मातृत्व अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। इस अभियान से छत्तीसगढ़ में भी मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इस अभियान के तहत हर महीने की निश्चित तारीख को गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच की जाती है, ताकि प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा सुरक्षित रह सके। दुर्ग जिला अस्पताल में भी गर्भवती महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंचकर इस अभियान का लाभ उठा रही हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के जैन ने बताया कि इस अभियान के तहत अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर जैन ने बताया कि इस अभियान के शुरू होने से संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा मिला है। इससे महिलाओं को यह फायदा हुआ कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इसका अर्ली डिटेक्शन होता है। सपोज महिला 6 महीने 7 महीने में जांच कराई तो उसको पता लग जाता है इसका बीपी बढ़ा हुआ है, बच्चा बीच प्रेजेंटेशन है या और कोई कॉम्प्लिकेशन है या झटके आ रहे हैं, उनको बता दिया जाता है कि इसकी डिलीवरी इस लेवल में नहीं होती, आप इससे ऊंचे लेवल के अस्पताल में जाइए, जिला अस्पताल में जाइए, मेडिकल कॉलेज में जाइए, तो उनको पता लग जाता है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं, अगर जब उनका डिलीवरी होती है उसके पहले वो उच्च संस्थान में जा करके अपना इलाज कराते हैं, इससे मैटरनल मॉर्टिलिटी में गिरावट। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब प्रदेश में निजी चिकित्सक हर महीने की 9 तारीख को शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वैच्छिक सेवाएं भी दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पर आस्था और भक्ति का पर्व सावन मास शुरू हो चुका है। सावन के पहले सोमवार पर आज शिव मंदिरों में भक्तों की दिन भर भीड़ लगी रही। कबीरधाम जिले के भोरमदेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सावन महीने के पहले सोमवार को भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए हर साल पदयात्रा का आयोजन किया जाता है। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंचे। पदयात्रा के लिए प्रशासन और मंदिर समिति के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। यह पदयात्रा कवर्धा के बूढ़ा महादेव मंदिर से शुरू होकर भोरमदेव मंदिर में सम्पन्न होती है। वहीं राजनांदगांव में भी सावन सोमवार पर शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जगह जगह से कांवरियों का जत्था जल लेकर शिवालय पहुंचा। राजधानी रायपुर में भी सावन सोमवार पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।